भाजपा की धमाकेदार जीत के बाद इस मुस्लिम नेता के बदले सुर बोले, मुझे उम्मीद थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को हराकर ही दम लेगी, लेकिन अब इस मुस्लिम नेता का टूट गया घमंड, बदल लिया 2024 से पहले अपना मन। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धमाकेदार जीत दर्ज की। चारों तरफ बीजेपी का ही डंका बजता नजर आ रहा है। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन तीनों राज्यों में जहां कांग्रेस अपनी जीत के दावे ठोक रही थी, वहां पर बीजेपी के सामने चारों खाने चित नजर आई। और इस जीत के बाद कई बड़े नेताओं के मन बदल गए हैं, लेकिन एक मुस्लिम नेता ऐसा भी है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जो 2024 से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराने के दावे ठोक रहे थे, लेकिन अब उनका मन बदलता नजर आ रहा है। वह भी आपको बताएंगे कि वो नेता कौन है, लेकिन उससे पहले आप जरा मोदी का तीन राज्यों में जीत के बाद वो धमाकेदार बयान सुनिए, जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। तो सुना आपने, अब आपको बताते हैं कि कौन है वो मुस्लिम नेता जिनके तीनों राज्यों में बीजेपी के जीतते इस सुर बदल गए हैं। उनका नाम है बद्रुद्दीन अजमल। तीन राज्यों में बहुमत के साथ भाजपा को मिली जीत के बाद ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बद्रुद्दीन अजमल अगले आम चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे। अजमल ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाजपा राज्य चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने सोचा था कि कांग्रेस कम से कम तीन राज्यों में तो जीत हासिल करेगी। अगर हम नतीजों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अजमल ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की भी आलोचना करते हुए कहा, उनके पास असम में पार्टी का नेतृत्व करने की कोई अक्षमता नहीं है, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अजमल ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेताओं पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। तो देखा आपने बीजेपी के तीन राज्यों में जीत के बाद किस तरह से बद्रुद्दीन अजमल के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।